नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सालार वर्सेस डंकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई देता, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ सुख शांति समृद्धि से रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। भगवान श्री राम भी आ रहे हैं अयोध्या में इसी वर्ष, मतलब आए हुए तो हमेशा ही रहते हैं लेकिन अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले, तो 2024 हम सभी के लिए अच्छा रहे यही परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों जहां तक सालार वर्सेस डंकी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सालार वर्सेस डंकी का कोई मुकाबला नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कितने भी नेगेटिव कमेंट करे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह दूं कि हकीकत यही है कि सालार का और डंकी का कोई मुकाबला नहीं है। सालार का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास है, जबकि डंकी का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 360 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा बात करें अगर डंकी के नेट कलेक्शन की, तो डंकी का नेट कलेक्शन दोस्तों करीब करीब 190 करोड़ रुपए के आसपास है। सालार का नेट कलेक्शन 350 करोड़ के आसपास है, 346 करोड़ डंकी का, 189 करोड़ रुपए, तो कहीं पर भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। डंकी का हिंदी से कलेक्शन आया है ज्यादातर, सालार का साउथ के अलावा हिंदी से भी जबरदस्त कलेक्शन आया है। जहां तेलुगु में फिल्म 200 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, वहीं हिंदी में भी फिल्म 125 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर चुकी है और हिट साबित हो चुकी है, तो कहीं पर कोई मतलब ज्यादा नहीं है, कोई भी मतलब कंपैरिजन की बात नहीं है। दोनों की थिएटर ऑक्युपेंसी, दोनों के कलेक्शन में कल बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। और डंकी की जहाँ 38% के करीब ओवरऑल थिएटर ऑक्युपेंसी थी, वहीं सालार की करीब 40% के आसपास थिएटर ऑक्युपेंसी थी। सालार के पास शोज अभी भी डंकी से ज्यादा है, हिंदी में जरूर डंकी के पास शो ज्यादा है, लेकिन कल हिंदी में भी सालार ने 10 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और डंकी ने करीब कल 13 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया है। तो कुल मिलाकर के सालार काफी आगे है। हाँ, इतना जरूर है कि डंकी भी कुल मिलाकर के पिछले कुछ दिनों से वापस वापसी जरूर की है डंकी ने, और कल तो डेफिनेटली डंकी ने काफी जबरदस्त कलेक्शन किया है। तो कुल मिलाकर के डंकी वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएगी जिसकी उम्मीदें थी जब फिल्म रिलीज हो रही थी, तो बोल रहे थे कि पठान जवाब कुछ नहीं है इसके सामने, 500 करोड़ से ऊपर जाएगी, तो वाली नहीं होनी है। 400 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन नहीं जाएगा और इंडियन नेट कलेक्शन 250 करोड़ के अंदर अंदर रहने वाला है, तो फिल्म को एवरेज टू हिट का वर्डिक्ट जरूर मिल जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जिस तरह से कलेक्शन आ रहा है और फिल्म का बजट में भी कुछ कन्फ्यूजन पैदा किया गया था किस प्रकार से, पहले 130 करोड़ बताया गया, बाद में अभी कई जगह 200 करोड़, कई जगह 250 करोड़ भी बजट बताया गया शाहरुख खान की फीस को इंक्लूड कर दे तो। और ये सारी बातें सत्यता के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बातें ऐसी नहीं है कि कोई मुझे किसी से एलर्जी है या मैं कोई वैसे बोल रहा हूँ। जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है वो यहाँ पे दी जाती है, जो एक्चुअल बात होती है वो ही बोली जाती है। यहाँ पे कोई भी शाहरुख खान से कोई दिक्कत नहीं है, राजकुमारी रानी से भी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने सनातन का अपमान किया था पीके फिल्म में, ये आपको भी याद है। फिल्म अच्छी है तो चलती है, फिल्म अच्छी नहीं है तो नहीं चलती है। ये फिल्म वैसी नहीं है जो मतलब मास एंटरटेनिंग मूवीज आजकल जो पसंद की जाती है, वैसी फिल्म नहीं है। तो इसके कलेक्शन इसी रेंज में आने थे और इसी रेंज में आए हैं। और शाहरुख खान की पठान और जवान किसी क्लेश में नहीं थी, ये फिल्म प्रभास के सामने क्लेश में फंसी है, तो उसका नुकसान डेफिनेटली इसको भी उठाना पड़ा है, सालार को भी उठाना पड़ा है। दोनों फिल्मों को नुकसान होता है जब क्लेश होता है, तो इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। और दोस्तों जहां तक आज की बात करें तो आज डंकी का कोई ज्यादा एडवांस बुकिंग नहीं है, 1 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग है, तो करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की मुझे उम्मीद है कलेक्शन करेगी। और सालार आज 7 से 8 करोड़ का कलेक्शन करेगी, तो डंकी का कलेक्शन करीब 195 करोड़ के आसपास जाएगा आज, और सालार का कलेक्शन करीब 355 करोड़ के आसपास यहाँ पे जाने वाला है। तो अब किसी तरह की कोई नेगेटिविटी ना करे, सालार फिल्म सुपर हिट हो चुकी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, और जो डंकी फिल्म है वो हिट होने की ओर अग्रसर है, देखते हैं हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।